हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो पर। और सिंगर के इतने बैक टू बैक रिप्लाई आ रहे हैं, मूफार्ट एंड कृष्णा और कमल कार के काफी सारे सिंगर हैं उनके। हाँ कौन सा, काफी सारे रिप्लाई आ रहे हैं, पर हमने सोचा मैंने कि चलो इस टॉक सोसाइटी से बाहर निकल के कुछ अलग देख लेते हैं, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। अभी आज ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दूसरे रिएक्शन वालों की वीडियोज आ रही हैं उस पर हमारा मन थोड़ा शांति का है, तो कुछ और देख लेते हैं, कुछ मन पसंद देख लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जापानीज गर्ल, जिसका चैनल है मायो जापान के नाम से। हम उनकी वीडियो काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, तो हमने काफी बार सोचा भी बहन की चलो इनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, फिर मैंने काफी बार इग्नोर भी कर दिया, मैंने चलो जाने दो, लेकिन फिर मैंने लगा बहन की चलो आज तो बना ही देते हैं एक रिएक्शन वीडियो। और इनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप उनकी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं गाइस कैसी है इनकी वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं टेन कल्चर तो 10 ऐसी अद्भुत बातें, 10 ऐसी शॉकिंग बातें जो आज जापानीज गर्ल जो इंडिया में घूमती रहती है, मायो मायो नाम है उसका, मायो जापान के नाम से चैनल है और मायो ही उसका नाम है। तो 10 ऐसी शॉकिंग बातें जो वो बताने वाली है कि जब जापान से वो इंडिया आई तो उसे 10 ऐसी बातें कैसी अजीब लगी, उन बातों के बारे में वो बताएगी और उन्हीं बातों पर हम अपना ओपिनियन देंगे कि हमें क्या लगता है, हम यहाँ इंडियन है तो हमें हमें कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके बाकी की बातें उसके बाद में, हम कुछ बीच बीच में भी हम काफी सारा रिव्यू देने वाले हैं और उस वीडियो के बाद में भी काफी सारा रिव्यू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मायो जापान की आज का रिएक्शन, मायो जापान के ऊपर जो है 10 कल्चर शॉक इन इंडिया फॉर ए जापानीज। भारत में मेरे 10 आश्चर्यजनक अनुभव, इस वीडियो का नाम है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट अपना भी ओपिनियन देंगे, जापानीज गर्ल का क्या ओपिनियन रहता है उसमें हम अपना इंडियन वाला ओपिनियन भी देंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे धनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम माया है, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, हर रोज ठीक हूँ मैं। हाँ, जापान में कहावत है पागल लोग बीमार नहीं होते, मैं बीमार नहीं होती। चलो आज मैं बताना चाहती हूँ 10 cultural shocks or difficulties I had in India. India में 10 चीजें मेरे लिए मुश्किल था या कुछ आश्चर्य हुआ, ऐसी चीजें आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, ना शुरू करें। नंबर 1, तीखा खाना, वो भी ज्यादा तीखा। जब मैं बाहर खाना खाती हूँ ना, तब रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ ये स्पाइसी नहीं है ना? नहीं मैम, स्पाइसी नहीं है। या तो मैं कहती हूँ इसमें मिर्च मत डालना। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, फिर भी बहुत ही स्पाइसी खाना देते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ, जैसे कि तंदूरी चिकन, ऑर्डर आने से पहले चिकन को दही और मसाले में रखते हैं ना, जब ऑर्डर आया है तब गरम करते हैं, इसलिए ऑर्डर करते समय मिर्च मत करना, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, पता है। फिर अभी मेरी उम्मीद है ना कि ठीक है, उसने कहा कि ये स्पाइसी नहीं है तो स्पाइसी नहीं होगा, वो उम्मीद हमेशा टूट जाती है। और दूसरी चीज, दही में नमक। ओके, पहला पॉइंट है यहाँ का मसालेदार खाना। तो मसालेदार खाने की तो बात ऐसी है, हम इंडियंस को नमक वाला, नमक मिर्च वाला खाना ही पसंद है। और मैं खुद बिना नमक का खाना, रोटी भी बिना नमक की अजीब सी लगती है खाने में, क्या खा रहे हैं। तो एक रोटी भी मुश्किल से खा पाते हैं, तो नमक मिर्ची वाला खाना ही पसंद है, क्या करें। और जो खाना फीका खाता है,
तो उसे यहाँ आकर के तो वो गाना मसालेदार ही लगेगा, लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल होता है, हम मसालेदार ही खाना खाते हैं और वो नॉर्मल ही होता है, उसमें हमें कोई परेशानी तो होती ही नहीं है। दही में नमक मुझे वैसे गाइस मैं बता दूं, काफी सारे भारतीय लोग दही में नमक डाल करके खाते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत ही गलत है। दही में नमक नहीं डाला जाता है, हालांकि सभी खाते हैं और जैपनीज गर्ल भी यही कह रही है दही में नमक डाल के कौन खाता है, क्योंकि दही में जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं, जीवाणु नमक डालते ही सारे जीवाणु तुरंत मर जाते हैं और उन जीवाणुओं को शरीर में जाके जो काम करना होता है वो नहीं कर पाते, तो दही खाने का उसके बाद कोई फायदा नहीं होता है। स्वाद के लिए भले ही हम दही में नमक डाल के खा लो, स्वाद अलग आता है, अच्छा भी लगता है हमें तो, खैर, लेकिन दही में नमक डाल के खाने से उसका जो वो होता है क्या कहते हैं बीमारियों में जो फायदा करना होता है वो फायदा वो करेगा ही नहीं, तो दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। हालांकि सभी भारतीय ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर किताबें कौन पढ़ता है, जीवन शैली को ध्यान क्यों देता, कोई नहीं देता आजकल। आयुर्वेद में क्लियरली लिखा हुआ है दही में नमक नहीं खाते, दूध के साथ नमक, सफेद नमक तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो इस तरह की कई सारी बातें हैं। तो कौन पढ़ने बैठा है, जो मिल रहा है उसे खाओ, जब खास खुजली हो जाते हो भागो डॉक्टर के पास। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफी लंबा हो जाएगा इस विषय पर। बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे दही में नमक, चीनी नहीं नमक, और उसके ऊपर से प्याज डालते हैं या टमाटर डालते हैं, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे खा सकती, दही तो मीठी होती है, और जब मेरी बार मैंने वो दही खाई थी तब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। ओके गाइस, एक और बात मैं बता दूं, दही में प्याज डाल के खाओ कोई दिक्कत नहीं है, दही और प्याज का बहुत ही अच्छा मिश्रण है, इससे खाओगे तो शरीर को फायदा ही होगा। हाँ, लेकिन दही के साथ प्याज ठीक है, लेकिन दूध के साथ प्याज खाया ना तो दांत खाज खुजली जैसी बीमारियां होने ही वाली है। हाँ, क्योंकि उसका स्वाद समझ नहीं सकी, लेकिन बार बार खाने से मुझे ऐसे लगने लगा, अरे ये तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा है और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा है, तो मेरा विचार धीरे धीरे बदल गया है। लेकिन पहली बार बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे नंबर थ्री, ऊपर से पानी पीना, जापानी लोग ऊपर से पानी पीते नहीं है। जब मैं दोस्तों के साथ बाहर चलते हैं ना रेस्टोरेंट पे और खाना खाते हैं, और खाना तो स्पेट। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, ड्रिंक वाटर फ्रॉम द अबव, ऊपर से पानी पीना, तो मैं पहले ही बता दूं ऊपर से पानी पीना बहुत ही गलत है। हालांकि सभी भारतीय, ज्यादातर सारे भारतीय वो आजकल ऊपर से पानी पीते हैं, बोतल उठाई ऊपर से पिया, गिलास उठाया ऊपर से पिया, ज्यादातर सारे ही करते हैं, पर ऊपर से पानी पीना बहुत ही गलत है, पहले ही बता देते हैं। ओके, गलत चीज को क्यों प्रमोट करें, ऊपर से पानी पीना गलत होता है। पानी पीना घुट घुट करके पानी पीना होता है, या फिर पानी ओक लगा के यूं करके पीना होता है। यदि ऊपर से पी रहे हो तो पहले मुंह में जमा कर लो, गिलास से तो पी लो, लेकिन पहले ऊपर से भी यदि कोई पीता है तो पहले मुंह में जमा कर लो, उसके बाद कुल्ला करो इस तरह, उसके बाद धीरे धीरे घुट घुट करके पानी उतारो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लार मिले और पेट में फायदा हो। पानी यदि सीधा ही ऊपर करके पिया और सीधा गया तो क्या फायदा, लार जो बना रहा है, एक लार ग्रंथि मुंह में लगी हुई है, लार के लिए लगी हुई है, वो लार मुंह से होते हुए पेट में उतरती है, तो उसी का फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा, सीधा पानी डाल के क्या फायदा। ओके, तो काफी सारी ये आयुर्वेद का गहन अध्ययन हो जाएगा, तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। मुझे पानी चाहिए ही चाहिए, हाँ, तो मैं कहती हूँ जब पानी चाहिए मैं खरीद के आती हूँ, तो इंडियन लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और लोग कहते हैं कोई बात नहीं मैं खरीद के आता हूँ, हाँ ऐसे कहते हैं, खरीदने जाते हैं और वापस आते हैं एक बड़ा सा पानी बोतल लेके। मुझे लगा अरे इतना बड़ा बोतल, और उसने कहा इंडियन स्टाइल में सब लोग शेयर करते हैं, और ऐसे ऊपर से वो पानी पीने लगे।
मैं तो स्पाइसी खाना खा खा के जेब जल रही है और मुझे पानी चाहिए, लेकिन मुझे ऊपर से पानी पीना नहीं आता है, लेकिन जीभ तो जल रही है तो बोतल लेके पानी पीना भी बहुत दिक्कत हो रही है। इंडिया में एक साल रहकर मेरा ऊपर से पानी पीने का स्किल इम्प्रूव हो गया है। ट्राई करती हूँ। हेलो। हो गया। नंबर फोर, पर्सनल स्पेस बहुत ही कम है। जैसे कि मेट्रो पे चढ़ती हूँ ना, लोगों के बीच बस इतना सा वो छोटा सा स्पेस होता है ना, तब उसमें लोग घुस के बैठते हैं। वो जापान में कभी नहीं होता है। जापानी लोग अनजान लोगों से फिजिकल कॉन्टेक्ट लेना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, नफरत करते हैं। इसलिए अगर इतना सा जगह है ना, अगर बैठेंगे तो दोनों लोगों के वो बॉडी से टच करना पड़ता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन इंडियन लोग तो इससे नफरत नहीं करते होंगे, ऐसी छोटी छोटी जगह पे घुस जाते हैं। इसलिए शुरू शुरू में बहुत ही मैं अनकंफर्टेबल थी। और सवारी ऑटो में भी ऐसी होती है ना कि मैं मतलब सस्ते से जाना चाहती हूँ, इसलिए सवारी ऑटो में बैठती हूँ, लेकिन इस पे लोगों के बीच बहुत ही फिजिकल कॉन्टेक्ट, ऐसे 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 बैठना है ना, और रिक्शा ऐसा ऐसा तो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल रहती हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ सर्वाइव करने की। नंबर फाइव। ओके वेट गाइस, तो उसने जो कहा कि जब सफर करते हैं ट्रेन में रिक्शे में तो जगह कम रहती है, बीच बीच के बैठना पड़ता है, तो वो है ही है, आप क्या करें, वो सभी को झेलना पड़ता है। हम जाते हैं तो हमें भी ऐसे ही बैठना पड़ता है, बॉडी टच होती है तो होती ही है, वो तो सभी की होती है। रिक्शे में रिक्शा हो, बस हो, या फिर कुछ भी हो, टेम्पू वगैरह कुछ हो, सभी जगह ऐसा ही है। और आपको अगर किसी से टच नहीं होना है तो भैया पूरा टेम्पू बुक करके जाना पड़ेगा। क्योंकि उस टेम्पू में वो कितने आदमी बढ़ता है, मेरे हिसाब से चार और चार आठ और बारह आदमी तो ले लेता है। करीब 12 आदमी ले लेता है वो एक टेम्पू, तो 12 आदमियों का टिकट उसे अकेले को देना पड़ेगा। उसके बाद वो सिंगल 12 से 15 ना 12 नहीं, आगे भी बैठाता है, दो तीन बैठा लेता है। हाँ तो फिर 12 तो ले ही लेता है वो, तो 12 सवारी, जहाँ 10 रुपए का टेम्पू जा रहा है वहाँ 120 रुपए का टेम्पू से बुक करना पड़ेगा, तो 10 और 120 का अंतर आप देख सकते।